सपने में गौतम बुद्ध को देखना या सपने में महात्मा बुद्ध को देखना एक बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है, जो कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सुख शांति के बढ़ने की ओर तो संकेत करता ही है। साथ ही ये सपना आपको अपना जीवन का उद्देश्य मिलने की ओर भी संकेत करता है, जिसको सपने की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से सही से जाना जा सकता है। जैसे अगर कोई सपने में महात्मा बुद्ध की छोटी या बड़ी सी मूर्ति को देखता है, तो यह सपना जीवन में चल रही उन सारी मुसीबतों के खत्म होने की ओर संकेत करता है, जो आपको आज तक मानसिक रूप से काफी परेशान करती आई हैं। और अगर कोई सपने में गौतम बुद्ध की मूर्ति को खरीदते हुए देखता है, तो यह सपना जल्द ही होने वाले किसी बड़े मुनाफे की ओर संकेत करता है। अगर कोई सपने में खुद को महात्मा बुद्ध के मंदिर आदि में जाते हुए या मंदिर आदि में खड़े हुए या बैठे हुए या फिर ध्यान आदि करते हुए देखता है, तो यह सपना जीवन में जल्द ही किसी अच्छी और नई शुरुआत होने की ओर संकेत करता है, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने का काम करेगा। और अगर कोई सपने में खुद को महात्मा बुद्ध के रूप में देखता है, तो यह सपना जल्द ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के होने की ओर, जीवन का असली ज्ञान मिलने की ओर संकेत करता है। और अगर कोई सपने में खुद को महात्मा बुद्ध से बातें करते हुए या आशीर्वाद लेते हुए देखता है, तो यह सपना जीवन में चल रही हर तरह की परेशानियों के खत्म होने की ओर ही संकेत करता है। और अगर कोई सपने में महात्मा बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियों को एक साथ देखता है, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपको अपने मन से दूसरों के प्रति गुस्सा या नफरत आदि की भावना को पूरी तरह से छोड़ देने की जरूरत है, साथ ही अपने मन पर काबू करने की भी जरूरत है। तभी आप जीवन में अपने लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब हो पाएंगे।